हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हैवी बॉक्स। कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हर बार की तरह इस बार भी एक नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ आपका दोस्त रोहित। गाइस, इसका जो पहला वाला ब्लॉग था ना, उस पर आप लोगों ने एकदम धांसू से प्यार दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि आपके, मैं हर बार बोलता आया हूँ, आपके प्यार और सपोर्ट बिना कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरीके से आप हमें मोटिवेट करते हो, जिस तरीके से आप हमें प्यार करते हो, तो उस तरीके से कंटिन्यू होना चाहिए। एंड मैं भी कोशिश करूंगा और भी बेटर 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 लोकेशन में जाके ब्लॉगिंग शूट करने के लिए। तो चलिए, आज वैसे डिसाइड नहीं किया आज कौन से जगह पे जाने वाले, लेकिन कोई तो अच्छे जगह पे जाने वाले। और हमारे ब्लॉग में अंत तक बने रही, रेडी हो जाता हूँ। हर खुशी का पिटारा हैवी बॉक्स, जिंदगी की मतलब खुशियाँ बांटना। हम लोग निकल चुके हैं थोड़ा स्टाइल वाइल मार के, ओह गॉगल वॉगल लगा के, क्या बात है। आज एक नए जगह पे जा रहे हैं और चलिए चलते चलते आपको बताते हैं कौन से जगह पे हम लोग जा रहे हैं। हम लोग आ पहुँचे हैं जंगली महाराज रोड, और जंगली महाराज रोड में एक स्पेशल एक जगह है जो कहा जाता है पातालेश्वर मंदिर। और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड इसलिए मैं आज इस जगह पे आया हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या देखने मिलता है। हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर से नीचे तक। नीचे तक मतलब इसके नीचे गुफाएं हैं और गुफाएं के अंदर ही मंदिर है। मैं अभी ऊंचाई पे खड़ा हूँ और ऊंचाई से आपको दिखा रहा हूँ नीचे की ओर। लेकिन भैया, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो है, यहाँ पे नॉट अलाउडेड फ़ोटो एंड वीडियो। आप वीडियो फ़ोटो शूट नहीं कर सकते इस जगह पर। तो चलिए कोई बात नहीं, हमें इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो नियम है, नियम को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो हम नहीं करते। चलिए यहाँ से निकल जाते हैं। अब आपको बता देता हूँ आप इस जगह पे कैसे आ सकते हैं। आप इस जगह पे जंगली महाराज रोड इस एरिया के नाम है, और आप पुणे के जो लोकल बस होते हैं, बस पे भी आ सकते हैं। आपके पास अगर फोर व्हीलर टू व्हीलर है तो आप गूगल मैप के ज़रिए भी आप यहाँ पे आ सकते हैं लोकेशन ट्रैक करके। या तो आप कैब में भी अगर आते हैं तो आ सकते हैं। बिल्कुल ही मेन रोड के सामने ही है, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए, इसके बगल में और एक टेम्पल है, अभी वहाँ पे चलते हैं। ये पातालेश्वर मंदिर के बिल्कुल ही साइड पे ही है, और यहाँ पे भी सेम फ़ोटो शूट एंड वीडियो शूट दोनों चीज़ें यहाँ पे पाबंदी लगाए गए, नॉट अलाउडेड। आप यहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर सकते हो। तो मैं थोड़ा दूर से लिया, मैंने कहा नज़दीक से नहीं ले सकते बट दूर से लेते हैं। आप देख सकते हैं इतने खूबसूरत, इतने प्यारा सा इस जगह को आप कैसे बिना ही शूट किए कैसे रह सकते हैं आप। तो चलिए, अभी आ चुके हैं मंदिर से बाहर, अभी चलते हैं सीधा घर की तरफ। मतलब घर भी जाना है। मैंने इस जगह को इसलिए शूट किया क्योंकि ये जगह ना चमचमाती हुई, टिमटिमाती हुई जगह है, एकदम ब्यूटीफुल जगह। आप देख सकते हैं, एकदम मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। जैसे ही मैं बाहर आया ना, एकदम बिल्कुल एकदम अलग ही जगह है, एकदम बहुत सुंदर जगह है। तो चलिए, फाइनली हमारा बस आ चुका है और आ गई बस स्टॉप है। ये रहा बस के अंदर की शूट। तो चलिए, Yeah.
बस यही था, घर से बाहर, बाहर से घर, फिर से आ गए घर में, घर में आके बैठ गए। तो गाइस आई होप मेरे साथ साथ आप लोगों को भी ये ब्लॉग पसंद आया हो और अच्छा लगा हो। अगर आपको ब्लॉग कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, कंजूसी मत करना सब्सक्राइब में, ठीक है। क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊँगा और कोशिश करूँगा मैं और भी अच्छे अच्छे लोकेशन पर जाके, अच्छे अच्छे क्या कहे, हमारा तो वैसे नाम तो दिया नहीं, टूर ब्लॉग या तो ट्रैवल ब्लॉग, वैसे नाम तो है नहीं हमारा, हैप्पी बॉक्स मतलब ये खुशियाँ के डब्बे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उस खुशियाँ के डब्बे मतलब खुशी के जो बॉक्स होते हैं उसमें और भी अच्छे अच्छे ऐसे ब्लॉग बनाने की। तो ठीक है, थैंक यू गाइस, यहाँ तक ही था आज का ब्लॉग, तो यहीं पे समाप्त होता है यानी एंड होता है। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग और ऐसे ही नए शानदार प्लेस पे, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।